मध्य प्रदेश के सभी 64,626 मतदान केंद्रों पर मॉक पोल प्रारंभ हुआ प्रातः 5:30 बजे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। मॉक पोल समाप्त हो गया, इसके बाद 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया है। पूरे स्टेट में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं से कोई वारदात की या कहीं प्रॉब्लम की कोई खबर नहीं है। कुछ स्थानों पे मॉक पोल के दौरान थोड़ी सी BU/SU में जो दिक्कत आई थी उसको तत्काल रिप्लेस कर दिया गया था, हालांकि वो संख्या काफ़ी कम थी, नगण्य के बराबर थी। वर्तमान में मतदान शांतिपूर्वक पूरे राज्य में चल रहा है और हम लोग लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। सारे कलेक्टर्स, सारे सेक्टर ऑफिसर्स, पूरी टीम अक्रॉस द स्टेट राज्य में लगातार फील्ड में है। भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर्स फील्ड में हैं, तो सभी लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि मतदान बिल्कुल सही तरीके से हो, सुगमतापूर्वक हो, शांतिपूर्वक हो। और हमें सभी राजनीतिक दलों का भी सहयोग मिल रहा है और मतदान केंद्रों पे अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, आप यहाँ भी देख रहे हैं। और राज्य के तमाम जिलों में कहीं पे ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, पिंक पोलिंग बूथ पे हमने स्वयं मतदान किया अभी, जहाँ पे सभी मतदान दल के सभी कर्मचारी महिलाएँ हैं। इसी तरह से कई मतदान केंद्र पे हमारे चारों मतदान दल के लोग, हमारे दिव्यांग साथी हैं, कई जगह पे काफ़ी युवा साथी हैं जो मतदान केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। मतदान शाम के 6 बजे तक होगा। हर वो व्यक्ति जो शाम के 6 बजे तक मतदान केंद्र के परिसर में आ जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, आप जानते हैं। सिर्फ बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में और मंडला के 55 मतदान केंद्रों पर और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे तक रखा गया है, क्योंकि ये इलाके थोड़े नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ भी मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है।